आपके यहाँ कभी नाली दिखाओ नाली आपकी अभी आप समाज आइए आपकी। हल्द्वानी में नगर निगम ने एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत कर दी है। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। बाजार में, सार्वजनिक स्थलों में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। भारी फोर्स और नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर प्रशासन ने बाजार क्षेत्र में फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों के साथ ही अपनी दुकानों को बाहर सड़क तक पहुंचाने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी सिटी हरबन सिंह का कहना है कि शहर में सरकारी भूमि हो या सड़क या फिर फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। ये अवैध अतिक्रमण जो शहर के अंदर है, इसको हटाने के लिए जिला पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम का संयुक्त अभियान चल रहा है। इसमें जिनका भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है और मैं सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध करता हूँ जिसका भी अवैध अतिक्रमण जिन्होंने भी कर रखा है उसको अब स्वयं हटा ले, नहीं तो हमारे द्वारा सब जितने भी अवैध अतिक्रमण है शहर के अंदर सबको हटाया जाएगा। देखिए, जैसा कि ये हमारा नगर निगम का मूल दायित्व है, हमें लगातार इसमें काम करना चाहिए। निश्चित तौर पर हम समय से काम करते भी हैं, लेकिन अब एक बृहद अभियान के अंतर्गत पुलिस विभाग, नगर निगम, राजस्व विभाग, सिटी में से हल्द्वानी के संयुक्त अभियान के अंतर्गत शासन के निर्देश पर ये अभियान चलाया जा रहा है। अवैध वेंडर और ऐसे वेंडर जो ठेके पर बेंडिंग का काम कर रहे हैं, ऐसे वेंडर जिनकी अपनी दुकानें हैं, प्रतिष्ठान, उसके बाद बेंडिंग का काम कर रहे हैं, ऐसे वेंडरों को जब्त किया जा रहा है। और ऐसे दुकानदार जिन्होंने नालियों पर कब्जा कर रखा है, सड़क पर कब्जा कर रहा है, नालियों सड़क से कब्जे हटाए जा रहे हैं, फुटपाथ से कब्जा हटाया जा रहा है। व्यापारी बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, कहीं कहीं जिसकी कुछ नुकसान हो रहा है निश्चित तौर पर उनको तकलीफ जरूर हो रही है, लेकिन हम उनको कन्विंस कर रहे हैं ये आपके लिए हो रहा है। अभी आपके सामने जो नाली पर अतिक्रमण तोड़ा गया है, नाली आप देखिए पूरी भरी हुई है, बरसात दिनों में ओवरफ्लो हो जाता है। तो मेरा मानना है व्यापारी बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा हो, अतिक्रमण हटे, व्यापार जो हमारे ग्राहक आते हैं उनको आने जाने की सुविधा हो। तो सब मॉनिटरिंग करेंगे इसकी। देखिए, ये हमारा नियमित काम है, हमारे नियमित लोग आते हैं, लेकिन अब हम बाजार वाइज अपने कर्मचारियों की जिम्मेदारी नियत करेंगे। अगर उन्हों वो फेल होते हैं, ये भाई आर कराने में फेल होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोग वेतन भुगतान नहीं करेंगे। देखिए, नगर निगम पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा जो हमारी बाजार है, जहाँ पे हमने ये बाजार क्षेत्र में जो भी नालियों पे अतिक्रमण कर रखा है, बड़ ठेले खोखे वालों ने, उस पर कार्रवाई हो रही है। और इसका उद्देश्य एक ही है कि ये जो रोड है सब बिल्कुल भी चलने के लिए जगह नहीं बची है, इसीलिए पूरे शहर में अभियान चलाया जा रहा है और जगह जगह जिन लोगों ने रोडों पर कब्जा किसी भी तरीके का कर रखा है उसे खाली कराया जाएगा। वही कुछ लोगों का आरोप भी है कि नगर निगम की जो यहाँ जो दुकानें बनी, अवैध दुकानें बनाई गई है, लेकिन नगर निगम उसमें कार्रवाई, क्योंकि नगर निगम ने उसमें पैसे ले लिए। देखिए, कहीं भी अगर मैं भी अभी मौके पर हूँ, अभी तक किसी ने ऐसी कोई शिकायत नहीं करी है, अगर ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है उस पर कार्रवाई की जाएगी।